एक समय की बात है, जंगल के घने जंगल में एक उत्सुक युवा बंदर नामक बच्चा था जिसका नाम किको था। किको हमेशा उत्साहित था नए चीजों को खोजने और खोजने के लिए जंगल के विशाल जंगल में। एक दिन जब वह डाल से डाल तक झूल रहा था, उसने झरने के पीछे छुपे एक रहस्यमय गुफा को पाया। उत्सुक होकर किको सावधानी से अंदर चला गया। गुफा के अंदर उसने दीवारों पर प्राचीन चिन्ह और जगमगाते हुए रत्नों के ढेर से मिला, लेकिन जैसे ही वह उन्हें और अधिक जांचने वाला था, उसने अंधेरे से एक मध्यम गर्जन सुनी। खिलजी, किको चकित हो गया, लेकिन भागने की बजाय उसने याद किया कि उसकी मां ने उसे अनुशासन की शक्ति के बारे में एक कहानी सुनाई थी। गहरी सांस लेते हुए किको धीरे धीरे शेर का की ओर बढ़ा, जो केवल फलों का एक मुट्ठी परिणाम के रूप में शांति के साथ स्वीकार कर ली। अपनी हैरानी के साथ किको और शेर ने फलों का साझा किया और वे बातचीत करने लगे। शेर ने किको को गुफा के इतिहास के बारे में बताया और कैसे यह पीढ़ियों के लिए एक पवित्र स्थान रहा है। शेर की कहानी से प्रभावित हुए किको ने वादा किया कि वह गुफा और उसके रत्नों का सम्मान करेगा। उत्तर में शेर ने वादा किया कि वह जंगल में जाने के समय किको की सुरक्षा करेगा। उस दिन से किको और शेर अभूतपूर्व दोस्त बन गए। जंगल के चमत्कारों का अन्वेषण करते हुए और जीवन के लिए अनमोल सीख चुके सीखते हुए, और जैसे जैसे वे जंगल में यात्रा करते गए, उनका बंधन मजबूत हुआ, यह साबित करते हुए कि जंगल के सबसे गहरी अंधेरे कोनों में भी दया डर को जीत सकता है और वहां रहने वालों को सद्भाव में ला सकता है।